गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं नाइन्थ कक्षा से सुगंध फर्स्ट से पोएम देखने जा रहे हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। सी पिक्चर सी। सी पिक्चर। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन क्या है? देखो, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? वन मिनट। पहला क्वेश्चन है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी, खिले हुए फूल और सूरज आदि दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक आसमान में उड़ता हुआ पंछी कबूतर दिखाई दे रहा है, खिले हुए फूल और सूरज आदि दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? इस चित्र में हमें क्या अच्छा लगा कि पक्षी का चित्र अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? आजाद है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी फिर सकता है, कहीं भी उड़ सकता है। पक्षियों को कोई बाउंड्री है क्या? नहीं, यहाँ से जाना, यहाँ से रिटर्न आ जाना। पक्षी एक दूसरे से दूसरे देश में भी जा सकते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे जा सकते हैं क्या? नहीं, हमारे पास पंछी नहीं, पक्षी जैसे पर है क्या हमको ऐसा उड़ने से, उड़ के जाने के लिए कुछ भी नहीं। देखो, इस कविता का उद्देश्य है देशभक्ति गीतों का संकलन कर उसका पठन करना है। भारतवासी सत्य, भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान करना है। इस कविता के माध्यम से हमको यह बताना है कि बच्चों के मन में भारतवासियों के प्रति सत्य, हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास सत्य होना चाहिए। सत्य मीन्स हम सत्य बोलना चाहिए, जो सही है वही बोलना चाहिए, जो ठीक है वही करना चाहिए। अहिंसा, हम अहिंसावादी रहना चाहिए। अहिंसा में से किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए, न कि किसी पेड़ की हत्या करनी चाहिए, न किसी मानव की हत्या न करनी चाहिए। अहिंसावादी होना चाहिए। धर्म, हमें धर्म के प्रति ज्ञान होना चाहिए, हमें धर्म के अनुसार चलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, हरेक को न्याय मिलना चाहिए। हरेक का अधिकार है जीना है, कैसे जीना है, किसके लिए जीना है, यह हमको मालूम होना चाहिए। परोपकार, हमारे यहाँ हर भारतवासियों के प्रति परोपकार की भावना होनी चाहिए, दूसरों के ऊपर परोपकार करना, यानी कि दूसरों को हेल्प करना। सद्भावना, सब एक समान है। मानवता, हर भारतीयों के प्रति हर इंसान के प्रति, वो भी इंसान है हम भी इंसान है, ये मानवता हमारे बीच में होनी चाहिए। आदि महान गुणों की पहचान कराना, ऐसे ही गुण जो है सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि गुणों की पहचान करना है। इस कविता का उद्देश्य है बच्चों को इस कविता के माध्यम से क्या करना है, अहिंसा, सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि गुणों का आदि गुण सिखाना चाहिए। देखो, इस कविता को देखने से पहले हम क्या करेंगे,
कवि परिचय देखेंगे। इसके कवि कौन है? शैलेंद्र कुमार। देखो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, जिस देश में गंगा बहती है इस कविता के कवि कौन है? जिस देश में गंगा बहती है इस कविता के कवि शैलेंद्र कुमार जी है। शैलेंद्र कुमार का जन्म सन 1923 में हुआ। शैलेंद्र कुमार, इनका जन्म कब हुआ? सन 1923 में हुआ। इनका असली नाम शंकरीदास केसरीलाल था। असली नाम क्या है इनका? शंकरीदास केसरीलाल था। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार हैं। देखो ये हिंदी फिल्मों के जगत के कौन है? ये प्रमुख गीतकार हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों गीतों की रचना की। देखो शैलेंद्र कुमार ने कई फिल्म के गीत लिखे हैं। जो आजकल फिल्म में गीत आते हैं ऐसे गीत उन्होंने लिखे। इन्हें यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी पिक्चर में? देखो यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्म में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 साल 3 बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका देहांत सन 1967 में हुआ है। शैलेंद्र कुमार जी का देहांत कब हुआ? सन 1967 में। शैलेंद्र कुमार जी का जन्म कब हुआ? 1930। मृत्यु इधर कब हुआ? 1967 में। इनका असली नाम क्या है? मूल नाम क्या है इनका? शंकरीदास केसरीलाल। इनका मूल नाम क्या है? शंकरीदास केसरीलाल। ये गीतकार है, गीत लिखने वाले थे, गीतकार है। कौन? शंकरीदास केसरीलाल। शैलेंद्र कुमार कहते हैं उसे। गीतकार थे इन्होंने बहुत सारे प्रमुख फिल्मों के लिए गीत लिखे सोए। इनको 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। कौन से पिक्चर के लिए? यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इनका निधन सन 1967 में हुआ। इनका निधन कब हुआ? सन 1967 में। देखिए कविता देखिए। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ ही यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। देखो कविता का भारत देखिए। मैं एक बार गाकर भी आपको सुनाता हूँ। ये कविता क्या कर सुनाता हूँ, मैं गाकर भी सुना रहा हूँ। सुनो। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। सेकंड बार।
मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको छोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज ही तो रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का लालच नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यहीं तो रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। बाहर देख लीजिए, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। देखो होठों पे सच्चाई रहती है, किन लोगों के होठों पे सच्चाई रहती है? जो भारत देश में रहते हैं, जो भारत के वासी है, जहाँ हम भारत देश क्या है, वासी है, हमारे होठों पे क्या रहती है? सच्चाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के नागरिक है, हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में क्या बहती है? गंगा बहती है। गंगा नदी का पानी कैसा रहता है? निर्मल रहता है, सुपर रहता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। देखो मेहमान जो आता है हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है। देखो हमारे यहाँ मेहमान जब आता है तो हम उसका सत्कार कैसा करते हैं, उसका वेलकम कैसा करते हैं? आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आए हैं। आने के पहले, आने से आते ही उनको हम क्या करते हैं? पानी देते हैं, हाथ पर धोने के लिए पानी देते हैं, फिर पीने के लिए पानी देते हैं, घर में बिठाते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, ये हम सब करते हैं। ऐसा हमारे देश में, बाहरी देश में ऐसा है क्या? नहीं, बाहरी देश में कोई मेहमान नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ना बाप ना माँ। माँ की इज्जत नहीं है, पिताजी की भी इज्जत नहीं है बाहर कंट्री। लेकिन हमारे भारत देश में हम क्या करते हैं, हमारे मेहमान को एक भगवान के समान समझते हैं। मेहमान घर को आया तो कौन आया है बोलते हैं हम, भगवान हमारे घर को आया है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। कैसा मेहमान आने वाला हो, कैसा होता है? जान से प्यारा होता है। हमारे यहाँ जान क्या करता है? उसको बहुत प्यार करता है। अरे हमारे घर को मेहमान है, कोई भी कुछ भी कहे तो, अरे मेरे को जाना है, कहाँ घर को जाना है, क्यों? अरे हमारे घर को मेहमान आए, भाई जाना है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। देखो हम भारतवासी ऐसे है, हमको ज़्यादा की लालच नहीं है, हमको हमारा क्या होता है, थोड़े में ही गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज ही तो यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। देखो कभी कहता है कि भारत देश के लोग कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और सारी जातियाँ, बहुत सारी जातियाँ, फिर भी हम कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। तो शरद, ये शैलेंद्र कुमार कहते हैं, मिलजुल के रहो और प्यार करो। मिलजुल के रहने से
आदमी की ताकत बढ़ जाती है, हमारे में एकता होती है। मिलजुल के बनने से रहने से हम हाथी का भी सामना कर सकते हैं, हाथी जैसे बल वाले का भी हम सामना करते हैं। कैसा? अगर हम मिलजुल कर रहे थे, प्यार कर करो, हाथी को भी हम प्यार से समझाते हैं, उतना बड़ा ताकतवर हाथी। अगर एक बार बिगड़ गया हाथी तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन प्यार से हम उसको भी बैठ कहते हैं, उठ कहते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, चलते हैं। ये किसके पास है? भारतवासियों के पास ये नॉलेज है, टेक्निक है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं जो लोग जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक मिलजुल कर रहने से हमको क्या होता है? विश्वास आता है, बीच में हमारे मन में विश्वास आता है, एक कार्य करने के लिए हमारे में ताकत ऐसे आती है और वो हम काम करके ही दिखाते हैं। ओठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। देखो, भारतीयों के ओठों पे सच्चाई होती है, दिल में कोई कपट रहता है क्या? नहीं। देखो, दिल में और एक बात, मुंह में और एक बात, ऐसा काम है हमारा क्या भारतवासियों का? नहीं। हमारे जो मन में है वो ओठों पे दिखाई देता है, सच का ओठों पे सच्चाई रहते हैं। देखो, हमारे दिल से जो निकलता है हम ओठों से बोल देते हैं, दिल से गलत निकले तो हम भी गलत बोल देते हैं। दिल में सफाई होती है क्योंकि हम भारतवासियों के दिल में क्या है? सफाई है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा रहती बहती, हम उस देश के वासी है जहाँ गंगा नदी बहती है, वहाँ हम क्या करते हैं? भारतवासी रहते हैं, वहीं रहते हैं जहाँ गंगा बहती, उसी देश में रहते हैं जहाँ गंगा बहती। सी एक बार मैं गा के सुनाता हूँ। ओठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। नेक्स्ट व्यासी, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। मिले जिल कर रहो और प्यार करो, एक चीजें ही तो रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। ओठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। समझ में आपको? इसके पहले क्या करो, आप नोटबुक कंप्लीट करने के वास्ते पहले कविता लिख ली। कविता कितने लाइन की? 4 लाइन की कविता लिख लीजिए। कविता लिखने के बाद कवि परिचय लिख दीजिए, हार्ड वर्ड्स लिख लीजिए, जो भी कठिन शब्द है वह आप यहाँ टेक्स्ट बुक में टिक करिए, वही शब्द आ रहा है, हार्ड वर्ड्स कठिन शब्द नोटबुक में लिखिए। बाद में मैं शब्दार्थ दूंगा, वो शब्दार्थ लिख लीजिए। पहले पोएम लिखना, बाद में कवि परिचय लिखना, बाद में कठिन शब्द, बाद में शब्दार्थ। समझ में?
वन मिनट। नए शब्द लिखो, सच्चाई ट्रुथ लालच ग्रीड सदी कीमत गए कितने शब्दार्थ है? नौ शब्दार्थ है। कितने शब्दार्थ है? नाइन। ओट एलिव सच्चाई ट्रुथ, लालच ग्रीड, सदी सेंचुरी, इंसान मैन, कीमत वैल्यू, गैर आदर, दुनिया वर्ल्ड, डब्ल्यू आर एल डी। राइट डाउन दिस सेट, दिस मी शब्दार्थ। लिख लीजिए शब्दार्थ। देखो पहले कविता लिखना है, फिर कवि परिचय लिखना है, कठिन शब्द लिखना है, फिर
शब्दार्थ लिखना है, लिख लीजिए शब्दार्थ, नोटबुक भी कंप्लीट करना है और शब्दार्थ भी लिखना है, और पढ़ना भी है और लिखना भी है, समझना भी है। समझ में आया आपको? उसके बाद देखें हम अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, प्रश्नों के उत्तर बताइए। अभिट आभिट ईबिट ईबिट, आभिट यहीं लिखने का है, ईबिट नोटबुक में लिखना है, ईबिट सेकंड ई यहीं लिखने का है। अभियुक्ति सृजनात्मक, इन प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। मिलजुल कर रहने से क्या लाभ है, अपने सेकंड वन अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करता है करते हैं। थर्ड वन ज़्यादा का लालच नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, इसका भाव अपने शब्दों में लिखिए। आबिट इस गीत का सार अपने शब्दों में लिखिए। देशभक्ति भावना पर चार पंक्तियाँ कविता लिखिए, पंक्तियों की कविता लिखिए। इस गीत में आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी, क्यों, भाषा की बात, ये भी पूरा लिखना है। देखो अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति सृजनात्मक, भाषा की बात, ये पूरा लिखना है। परियोजना कार्य में बाद में देख लेंगे, वो वैसा ही रहने दीजिए, बाद में लिख लीजिए। इस तरह नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रश्नों के उत्तर क्या है, भाषा की बात बीट क्या है, ये मैं आपको बोर्ड पे लिखकर दूंगा। समझ में आया? और एक बार पढ़ना कविता, पढ़ना भी आना चाहिए आपको, एक बार पढ़ लीजिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज वही तो रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। किस देश में गंगा बहती है? भारत देश में ही गंगा बहती है। देखो ऐसे ही आपको एग्जाम में देंगे कि ये चार लाइन देंगे, चार लाइन के आधार पर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना है। ये मैं नेक्स्ट पीरियड में सिखाऊंगा, अब आपके लिए अभी के लिए तो ठीक है।